नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में 12वें दिन बाद लापता कर्मचारी का मिला शव, मचा हड़कंप। गोताखोर और SDRF हो गई थी फेल। विदेश से आए बेटे ने की तलाश, तब बरामद हुई लाश। आपको बता दें कि विदेश कमाने गए बेटे को पिता के लापता होने की सूचना मिली। जैसे तैसे वहां से घर पर आया और पिता की तलाश किया। अंत में 12वें दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाई। पिता का शव घटनास्थल से थोड़ी दूर पाया गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर गाँव के निवासी राम कृपाल कोरी 55 साल अमेठी के जगदीशपुर पॉलिटेक्निक में चतुर कर्मचारी के रूप में तैनात थे। बीती रात वो कोतवाली क्षेत्र के बगिया चौराहे से साइकिल से सामान खरीद कर घर वापस लौट रहे थे। इसी के बाद लापता हो गए थे। उनके साइकिल जयसिंहपुर के इटकोली मार्ग के किनारे शारदा सहायक खंड 16 नहर की पटरी पर पड़ी हुई मिली थी, जिस पर थैला लटका रहा था। आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले गोताखोर, फिर लगातार 2-3 दिनों तक SDRF की टीम की मदद ली। सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया लेकिन टीम असफल रही। हालांकि परिजन व ग्रामीण रात दिन तलाश में नहर की पटरी पर पानी में खोजबीन करते रहे, लेकिन लापता व्यक्ति का पता नहीं चल सका। उधर राम कृपाल का छोटा बेटा रोजी रोटी के चक्कर में सऊदी अरब कमाने गया हुआ था। पिता के गायब होने पर जानकारी में बिना विदेश से घर वापस चलाया। वो लगातार ग्रामीणों की मदद से लापता की तलाश में रात दिन एक किए रहा। आखिरकार 12वें दिन बाद शव सरदक सहायक खंड 16 नहर में कुछ दूरी पर झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। पुलिस ने शव को नहर में पानी से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।